हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, ये मायके का मेरा चल रहा है अब थर्ड पार्ट। दो पार्ट में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और यहाँ मैं अपनी मम्मा के कर रही थी मालिश। मम्मा नहा कर आई थी तो मैंने सोचा चलो मैं मालिश कर देती हूँ। ज़्यादा टाइम तो अब मिल नहीं पाता, आप लोगों को पता ही है, लेकिन जो भी ऐसा मौका मिलता है तो मैं उसे फटाफट से मतलब कहते ना ग्रैब कर लेती हूँ, जाने नहीं देती। तो बस माओ का तो ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा तो बेटियाँ रह नहीं पाती हैं साथ। अच्छा, इसके साथ मैं बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से करना चाहती हूँ कि आप लोग इतने खुश हो रहे हैं और मेरे पास तमाम कमेंट्स ये आ रहे हैं कि अभी अब आएंगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अब मज़ा आएगा, अब ये होगा, अब वो होगा। तो मैं आपको बताऊँ, ज़्यादा सपने आप ना सजाएं, आप लोगों को हो गई है कुछ गलत फहमी। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, बोला सॉन्ग है ना, मैंने ऐसे तो नहीं कहा था। कह रही हूँ मतलब ये कि मैं मायके तो गई हूँ लेकिन मैं रहने के लिए नहीं गई, मैं मतलब जाने और आने के लिए गई हूँ। एक दिन का मेरा विज़िट था तो बस आज के ही दिन मैं यहाँ रहूँगी और मैं शाम को यहाँ से रात को निकल जाऊँगी। तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो जी, मेरे पास पता है ये भी कमेंट आ गए हैं लोगों के कि अब आप अपने मायके आई हैं, अब हम आपसे मिल सकते हैं, क्या आप हमसे मिलेंगी? तो सॉरी उन सब के लिए जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है और जिन लोगों के मैंने कहते ना अरमानों पर पानी फेरा है, उन सब के लिए सॉरी। तो नहीं है मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम कि मैं रह सकूँ। तो अब तो हम वही वाले हो गए कि साल में एक बार जाके ही रह पाएंगे। हाँ, अगर किसी की शादी वगैरह निकल आती है तो भले ही दो चार दिन मैं रह जाऊँ, अदरवाइज़ ऐसे पर्टिकुलरली अब मैं नहीं रह पाती। और यहाँ पर ये आ चुके हैं फाइनली बाजी के घर से उठ के, वो भी मैंने ज़बरदस्ती बुलाया था। अब शाम का टाइम हो रहा है और मैंने ज़बरदस्ती बुलाया था कि वहीं के लिए आए हो क्या, यहाँ आओगे नहीं आओगे, किसी को पता भी नहीं है कि तुम आए। तो फिर ये आ गए थे, तो अब हम करेंगे चाय नाश्ता। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। दोपहर में ना खाना खाने के बाद, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाया था, खाने तक दिखाया था, तो उसके बाद मैं और अभी मार्केट निकल गए थे, हमें कुछ काम था। और उसके अलावा भी ना आप लोगों को पता है हम लोग सुबह जल्दी आए हैं तो कोई मिठाई की दुकान भी नहीं खुली थी, तो इसीलिए फिर हम कुछ भी नहीं लाते। तो अब मैं मार्केट गई थी तो मैं बच्चों के लिए सब ले आई थी, मैंने कहा बच्चे कुछ खाएं, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना कि खाली हाथ चले जाओ। तो बस यहाँ पर ये बच्चे के लिए लिटिल हार्ट्स बिस्किट लेकर आए हैं और इसके पीछे की पूरी कहानियाँ आप लोगों ने आप ही के व्लॉग्स में देख ली होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो, अगर आप लोगों ने अपी का चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी अपी का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपना आशियाना उनके चैनल का नेम है और वहाँ पर मैंने कहानी पूरी शेयर की है। तो बस यहाँ पर ये सारे बच्चे हो गए हैं खुश। बच्चों का क्या है, मतलब कुछ भी आप बच्चों को प्यार से दो और खाने पीने की होनी चाहिए तो बच्चे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मिठाइयों से ज़्यादा बच्चों को ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो बस जी, शाम की चाय का टाइम हो चुका है और ये हमारी तहजीब अपी लेकर आई, मतलब बनाकर नहीं लाई है, भाभी ने बना के दी है, सर्व की है हमारी तहजीब अपी ने हमें चाय। तो मैं चाय ले ही रही थी तो फिर अनु मिनाज ने बताया कि उन लोगों ने मेरे लिए कॉफ़ी का इंतजाम किया। और आप लोग को पता है कि हम तीनों, अपी को छोड़ के अपी नहीं पीती, अनु भी कम पीती है मतलब, लेकिन मैं और मैनास तो एडिक्ट है कॉफ़ी के हम लोग शुरू से ही पिया करते हैं, तो मुझे और मैनास को तो बहुत ज़्यादा हैबिट है कॉफ़ी पीने की। तो बस यहाँ पर फिर मेरी कॉफ़ी का इंतज़ाम था तो मैंने कहा अब मैं चाय नहीं पी रही हूँ। तो भाई जी को चाय नहीं पीनी थी तो मैंने कहा अब आपको मेरी चाय पीनी पड़ेगी और मैं जो बोलती हूँ वो तो भाई जी मेरे मानते ही हैं। आप लोग हमेशा कहते रहते ना मेरे हस्बैंड मेरी अपी से बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, नहीं बल्कि भाई जी से मैं बहुत ज़्यादा वो अटैच हूँ, फ्रैंक क्या अटैच हूँ। भाई जी जो हमारे घर के सबसे बड़े दामाद हैं और इन्हें हमारा भाई कह लो और पापा के बाद फिर यही है, भैया है, ये हैं, तो इसलिए वही रिश्ता आप समझ लो। तो यहाँ पर भाई जी भी चीज़ें लेकर आए थे बच्चों की, तो आज तो इतना ज़्यादा हो रहा था, सुबह जब भाई जी गए थे तो दिलवा कर गए थे, अब फिर लेकर आए तो मैं यही कहती कि इतनी चीज़ें हो गई ना आज इनकी कि बस पूछो मत। तो भाई जी कहने लगे तो यही तो होता है नानी के घर का, बच्चे नानी के घर के लिए क्यों करते हैं, नानी के घर के मज़े ही अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताई थी मेरी कॉफ़ी का इंतज़ाम था, तो बस ये अनु ने फ्रॉड बना के रखा हुआ था और ये समोसे लेकर आए थे अनु मिनास। हम लोग ना मतलब पार्ट्स में गए थे, मैं और अपी अलग गए थे, अनु मिनास अलग गए थे, तो ऐसे हम लोग बटे हुए थे तो बस एक दिन में जो बहुत सारे काम करने होते हैं ना तो फिर ऐसा ही होता है। तो ये एक्चुअली हम लोग जहाँ के समोसे खाते नहीं वहाँ के नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी समोसे थे और गर्म गर्म समोसे, सर्दी का टाइम है आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर लग रहे सबके हिस्से तो माशाल्लाह से परिवार हमारा बड़ा है, तो बस वो सबके लिए अनु सर्व कर रही है। तो अब हम लोग खाएंगे समोसे और पता है मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा मतलब रायता फैला देंगे, इन्होंने तो 5 बजे से हल्ला मचाना शुरू कर दिया, चलो 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 चलो। अच्छा, यहाँ हमारे दोनों ख़त्म हो गए थे तो बस समोसे बचे हुए थे इसके अंदर, तो वो फिर प्लेट में सर्व हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरी कॉफ़ी बन के हो गई है रेडी, बस अब मैं जल्दी से खाऊँगी। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ
मेरे पास ना हमेशा आप लोग शिकायत करते हैं कि अभी आप हमारा नाम लो, हमारा नाम लो, या आप हमारा नाम नहीं लेते। तो मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि नाम वगैरह मैं ज़्यादातर भूल जाती हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना वो ऐसी बात कर जाते हैं जो कि फिर मुझे याद रह जाता है और मैं सोचती हूँ कि मैं ज़रूर उनका नाम लूँ, क्योंकि इतनी गहराइयों वाली बातें कर जाते हैं ना तो बंदा खुद ही इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो नाम लिए बिना नहीं रह सकता। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ अज़रा सईद, जिनका कमेंट मैंने साइड में लगा दिया, आप उनका कमेंट पढ़ लेना। इतने डीपली आप लोग देखते हैं व्लॉग्स, इतनी ज़्यादा बातें नोटिस करते हैं, तो अब बताइए कि आप लोगों के प्यार से कैसे महरूम रहा जाए और कैसे आप लोगों का कमेंट और लोगों के साथ ना शेयर कर पाए। इसके अलावा भी मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। अभी ये मायका व्लॉग क्या शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है मेरी बहनों के साथ साथ ना आप लोग भी दीवाने हो गए। सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरी बहनें मुझे देख के बिल्कुल हो गई थी ना। आप लोगों ने लास्ट वाला व्लॉग देखा था, कोई दीवानी हो गई थी, कोई रोने लगी थी, कोई शॉक्ड हो गई थी और खुशी के मारे सारे पागल हो गए थे, और मुझे वैसे ही लग रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये तभी होता है जब दिलों में प्यार होता है। और वैसी बात है बहनों के लिए तो आपस में बहनों का बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ, जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई थी ना लिबा, तो लोगों का क्या है, लोग तो बातें बनाते हैं, तो लोग यही कह रहे थे कि अरे एक बेटा सा हो जाता। तो मेरी सास ने ये बात कही थी कि नहीं, अच्छी बात है आयरा को बहन मिल गई, बहन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी की एक ही बेटी है, हमारी इकलौती नंद है। तो मम्मी यही कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, काश मेरी भी दो बेटियाँ होती। तो उसका फ़ायदा ये रहता कि मतलब ससुराल भी आना जाना लगा रहता, मायके भी आना जाना लगा रहता दोनों का, और माँ बाप का मन भी बहल जाता। उसके बाद भी ये होता है कि बहन जो होती है ना वो बहन ही होती है, बहन का प्यार तो मतलब कोई वो ही नहीं, शेयर ही नहीं कर सकता। तो बस इसे वो भी मिस करती हैं। तो मुझे उनकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और बात सही भी है, मेरी बहन है ना तो मुझे पता है कि हाँ बहनें क्या चीज़ होती हैं। तो बस अब एक्चुअली मेरे को मतलब अनु कह रही थी काफ़ी टाइम से कि अभी आप ऊपर आ जाओ, मैंने कहा नहीं, पहले तो मैं बड़ी टेंशन दिखा रही थी कि मैं अपने घुटनों पे बैठ के खा लूँगी, लेकिन अब 80-82 किलो वज़न घुटने कहाँ तक झेलेंगे। तो फिर अब आ गए अपने रियल उस पर और बैठ गए फिर आराम से आलती फालती मार के, और बस बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, गर्म गर्म समोसे ने तो मज़ा ही दिला। जिसका है वो तो पीछे रह गई, अभी पता चलेगा किस उपलक्ष्य में है, पता नहीं कौन सा है। को ले ला जरा, क्या है क्या है, पूरी नजर रखते हैं कितने सब्सक्राइबर होते हैं कितने नहीं। फोटो भी खींचना भाई, बिल्कुल आपको नहीं पता था 2500 सब्सक्राइबर हो गया, नहीं तो आप ही ले आते, नहीं तो आप ही ये सब्सक्राइब मतलब एक्साइटेड थे कि ये खुद ही लेके ही आ जाता है ना भाई, हमको पता नहीं, हम तो काम में रहता लेके आते हैं, हमें खुद ही पता ही नहीं था खाने पीने का, खाने पीने का बाजी को पता रहता ना यहाँ सब कुछ। चलिए जी, आपकी और तरक्की हो, वैसे बहुत मुबारक हो, सो मच आपने, हाँ मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस बाजी, हमारी खुशी। अच्छा ये वाला केक तुम दोनों साथ में ही काटते हैं, हाँ हाँ है ना भाई, तुम दोनों साथ में काटते हैं। तुम लोग बाद में आना, ये फोटो खींचा, अरे काटो, चलो काटो, भूख मारो, अभी एक इसके दोनों को साथ में फोटो क्लिक करना है इसके, एक सेकंड रुक जाओ फोटो खींचा है ना आपने।
चलो जी काटिए काटिए साथ में काटिए। ये मेनी 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 कांग्रेचुलेशन 25,000 का भी हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फोटो खींच लेना तुम भी खिलाओ फोटो इसी पे टैप कर दे नहीं एक फोटो अलग से ऐसे ही खींच लो दोबारा खिला दे। बाजी डाइटिंग पे है हाँ ना तो आप इसमें भी वो करती भी आ गई लगेगा अरे 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 नहीं बस बंद कर दो बाजी।